नमस्कार, स्वागत है सौर भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भोज का आयोजन किया गया। ये कोई और भोज नहीं, ये दही चूड़ा की भोज है। मकर संक्रांति के उपलक्ष में रोटरी पट्टा सिटी द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष में मनाया जा रहा है दही चूड़े का भोज। तमाम लोग, तमाम समाजसेवी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पिंकू मेहता के द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया है। क्या कुछ पूरा है आप सबको दिखा सकते हैं। पूरी तरह से जितने लोग हैं, उनके समाज के लोग, उनके हित प्रतिष्ठित के लोग हैं, वो तमाम रोटेरियन यहाँ पहुँचे हैं और दही चूड़ा का भोज के आयोजन में वो सम्मिलित हुए हैं। वो दही की खटास और गुड़ की मिठास के साथ रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही है। आइए कुछ लोग से हम आपको बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे। ये दही चूड़ा का जो भोज है, किस तरह का वो खा रहे हैं, ये बहुत दिनों के बाद आपको पटना सिटी में देखने को मिलेगा। दही चूड़ा का भोज का एक सामूहिक आयोजन तमाम रोटेरियन के बीच में किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पहुंच देख सकते हैं। रामजी योगेश, अंशु मेहता और शंकर चौधरी जी भी आइए, हम बात करते हैं। सर, दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया रोटरी पटना सिटी के द्वारा, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले समस्त भारतवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रोटरी पटना सिटी के द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक सामूहिक रूप से सभी पटनावासियों, पटना सिटी के तमाम समाज से भी मित्रगण को बुलाया गया है। इसके लिए रोटरी पटना सिटी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, गुड़ की मिठास और तिल की गर्माहट के साथ आज मकर संक्रांति मनाया जा रहा है, रिश्तों में भी गर्माहट, क्या कहेंगे? ये गर्माहट हम लोगों को एक नए सुखद आनंद की ओर ले जा रहा है। आज के दिन जब जो सूर्य में, जब मकर की संक्रांति जब होती है, जब मकर में सूर्य का प्रवेश होता है, तो आज से दिन बड़ा भी होता है। आज एक अजीब सा माहौल रोटरी पटना सिटी की ओर से दिया गया। पटना सिटी में सारे हमारे समाज सेवी बंधु जो हैं इसमें सम्मिलित हो करके इसका आनंद मना रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आइए बात करते हैं। आप महिलाएं हैं, तमाम लोगों के साथ पटना सिटी में उन पहली बार ये देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। रोटेरियन जो है पटना सिटी, लगातार कई वर्षों से नहीं, इस दो लगता है 2-3 साल से ये लोग कर रहे हैं। जबकि मकर संक्रांति जो है अपनों का मिठास लेकर साथ ही जो है दक्षिण की ओर से उत्तरायण की ओर जाती है और मकर संक्रांति इसलिए हम लोग मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि अपनों का मिठास के साथ साथ आज मीडिया वाले का भी मिठास हम लोग ले रहे हैं। और भी कुछ समाजसेवी लोग हैं, लक्ष्य संस्था के संस्थापक है संजय अलवेल, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे? मौके पर ही बोलेंगे कि हम लोग का मतलब कि आज नया साल 14 तारीख को हम लोग का नया जो साल हम लोग का शुरुआत होता है, उसमें सभी धर्म, सभी संस्था, सभी पटना सिटी के समाज से भी एक जगह एकत्रित करने का जो काम किए हैं, लगातार प्रयास किए हैं रोटरी क्लब के, पटना सिटी के बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं। नए साल में पहली बार तमाम लोगों के बीच आप हैं, पहली बार भोज के माध्यम से, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों के साथ बैठ के बैठने का आनंद। मकर संक्रांति को लेकर लोगों के बीच भोज का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। ये मेरा संस्कृति से, भारत देश के संस्कृति से जुड़ा हुआ और किसाने से जुड़ा हुआ पर्व। में पोंगल और लोहरी भी कहते हैं, लगता है हमें कि जिस तरह से कोरोना काल बीता है और उसके बाद एक नया उदय हुआ है, वो आज दिख रहा है। लोग खुशी से इस पर्व को मना रहे हैं। दही और चूड़ा जरूर है, लेकिन मेरा यह परंपरा बरसों से चला आ रहा है, उसको आज के लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, वो जो बीता हुआ साल कल था उसको भूलकर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 2021 सबके लिए शुभ होगा। और हम लोग इस शुभ घड़ी में, खास करके 16 तारीख से जो वैक्सीन की पूरे देश में लगने की व्यवस्था की है मोदी सरकार ने, उन प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, और जो इसमें लगे हुए वर्कर, जो आयोजन इसका काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको भी बधाई कि उन्होंने बहुत मेहनत कोरोना काल में किया है। निश्चित रूप से पहले उनको सरकार ने तय किया है कि उनको पहले वैक्सीन दिया जाएगा और उनका हक भी बनता है, चूँकि उन्होंने जो मेहनत की है उनका हक भी बनता था। उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय जो कोरोना काल था पूर्ण रूप से ख़त्म होगा ये वैक्सीन आने के बाद, और फिर से दुनिया और हम लोग
एक नई जिंदगी जी सकेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिल सकेंगे। चूँकि जो हम लोग का परंपरा है संस्कृति गोर छूने का, गले मिलने का, उसमें कमी आ गई थी। हमें लगता है कि अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने में फिर एक साथ 2021 नई दिशा देगी। दही की खटास और गुड़ की मिठास के साथ और तिल की गर्माहट के साथ ये पूरा आयोजन किया गया है, रिश्तों में गर्माहट बनी रहे। आज हमारे बीच हैं आयोजक पिंकू मेहता। आइए बात करते हैं क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है। सर, पूरा कार्यक्रम क्या है, किनके द्वारा किया गया ये? आज रोटरी पटना सिटी के बैनर तले मेरे द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट स्थानीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी रहे हैं, भाजपा बिहार प्रदेश के मंत्री श्री रूप नारायण मेहता जी रहे हैं, हमारे भाजपा युवा मोर्चा पटना महानगर के अध्यक्ष अभिषेक कुमार बंटी जी रहे आए हैं, प्रमोद कुशवाहा जी रहे हैं जदयू नेता, रंजीत प्रभाकर जी रहे हैं, सभी ने मिलकर यहाँ भोज का आनंद उठाएं, लुप्त उठाएं। कितने लोगों के बीच और कितने रोटेरियन थे जिनके बीच आप लोगों ने? पटना सिटी रोटरी क्लब के लगभग सभी सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और महाकाल युवा संगठन का भी इसमें पूरा युवाओं का साथ रहा। वो पटना के तमाम समाज से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, इस भोज के आयोजन में उपस्थित रहें और अपना भोज के साथ साथ यहाँ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिनका वो लोग आनंद भी उठाएं। नए साल के उपलक्ष्य में ये आयोजन कर रहे हैं, सामूहिक आयोजन कैसा लग रहा है सर? कोरोना का काल था, कोरोना काल के बाद अब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या भगवान से मना रहे हैं और एक छत के नीचे आप तमाम रोटेरियन मिल रहे हैं, कैसा जोश जज्बा उमंग लग रहा है? देखिए, कोरोना काल के बाद ये पहला कार्यक्रम रोटरी क्लब पटना सिटी का है। अब तो खुशी की बात है कि 16 तारीख से पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम चालू रहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सूर्यदेव से, शनि भगवान से कि यहाँ कोरोना से कोई पीड़ित अब नहीं हो, वैक्सीनेशन सही ढंग से क्रियान्वित हो। सरकार के द्वारा 16 तारीख को अब यहाँ वैक्सीनेशन चालू होगा बिहार के साथ साथ पूरे देश में। पूरे भोज में जो आयोजन किया गया है पिंकू मेहता के द्वारा, रोटी पटना सिटी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह के तिल की तिल गर्माहट और गुड़ की मिठास के साथ दिलों में रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही है। नया साल है, इस नए साल में एक दूसरे लोग मिल रहे हैं, सामूहिक तरह से भोज का भंडारा का आयोजन किया गया है। हम यूँ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। सौर भारत के लिए पटना सिटी से मैं हूँ अमित खत्री। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।